जय हिंद। नमस्कार। कोर्ट का आदेश, कोर्ट का फैसला पूर्व सैनिकों के हक में, जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से खबर क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर। तो साथियों, यहां खबर उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए है जो कि भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से भर्ती होते हैं और जिनको कि उनका हक नहीं दिया जाता है, सेना में दी गई सेवा अवधि को वर्तमान में नहीं जोड़ा जाता है और साथ साथ में उनको पे प्रोडक्शन नहीं दिया जाता है। वे सभी लोग इस डिसीजन के बिहाफ में अपना केस या प्रोसेस कर सकते हैं। दरअसल एक खबर है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, सेना में दी गई सेवाओं को जोड़कर कांस्टेबल का वेतन निर्धारित करने का आदेश। मामला क्या है आइए पढ़ते हैं। याचिका जो कि विकास कुमार मिश्रा जी थे, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर 5 जून 2021 को नियुक्त हुए थे। उनकी नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक के कोटे के अंतर्गत हुई थी। याचिका भारतीय सेना में 2001 से 17 तक सेवा करने के बाद रिटायर हुए। उसके बाद उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर हुई थी, लेकिन याची की भारतीय सेना में दी गई सेवा अवधि को वर्तमान में नहीं जोड़ा जा रहा था, जिसको लेकर के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात कांस्टेबल को बड़ी राहत दी। याचिकाकर्ता कांस्टेबल विकास कुमार मिश्रा की भारतीय सेना में दी गई सेवाओं को जोड़ते हुए उसका वेतन निर्धारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्ट सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने कांस्टेबल विकास कुमार की याचिका पर दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विकास की भारतीय सेना में की गई सेवा की अवधि को जोड़ करके वर्तमान सेवा में जोड़ने का आदेश दिया है। याचिका के जो वकील थे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 410 तथा सिविल सर्विस रेगुलेशन के परस्तर 422 व 526 में स्पष्ट प्रावधान है कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि को वर्तमान की जो सेवा है उसमें जोड़ा जाए और उनका वेतन सेना से रिटायर होने की तिथि को आहरित अंतिम मूल वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाए। याचिकाकर्ता जो है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर उनकी तैनाती हुई थी, लेकिन याचिकाकर्ता की भारतीय सेना में जो उन्होंने सेवा की थी उस अवधि को वर्तमान में नहीं जोड़ा जा रहा था, जिससे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के पक्ष में फैसला दिया है। तो इसी तरह का यदि किसी भी भूतपूर्व सैनिक का इस तरह की यदि केस है, उन्हें भूतपूर्व सैनिक की जो फैसिलिटी है इस तरह की, उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी अपना जो पक्ष है इस तरह से रख सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।